मुलगी शिकली प्रगति जाली, बचपन से यही सुनती आई थी मैं, और हमेशा से यही माना था कि पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़े होकर अपनी एक पहचान बनानी है, और मैंने अपनी एक पहचान बनाई भी। लेकिन समाज जो एक तरफ तो लड़कियों की भलाई की बातें करता है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें दबाने की पूरी कोशिश करता है। मेरे साथ में भी एक ऐसी ही कोशिश की गई। क्या करना चाहती थी मैं? बच्चों को शिक्षा देना चाहती थी, उन्हें जागरूक करना चाहती थी, सही गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहती थी। लेकिन कभी कभी इंसान को अपने आदर्शों पर चलने की बड़ी सज़ा मिलती है। मैंने कभी गलत के आगे सर नहीं झुकाया, और शायद इसीलिए 18 सितंबर 2017 को इसी स्कूल के स्टाफ रूम में मेरा सर काटकर मेरा कत्ल कर दिया गया। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में। उस वक्त मेरी पोस्टिंग सातारा में थी, 10 दिन हुए थे मुझे आकर। ऐसे में एक केस मेरे पास आया। इस केस ने मेरे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के और पूरे सातारा शहर के रोंगटे खड़े कर दिए थे। दिन दहाड़े प्राची नाम के टीचर का किसी ने सर काट के मर्डर कर दिया था। कौन थी ये प्राची, क्या ये कहानी? कैसा गया पेपर? प्रज्वल? रवि, ये क्या है? रवि, तुमने प्रज्वल के नाम से पेपर लिखा है, इसका मतलब प्रज्वल ने तुम्हारे नाम से पेपर लिखा होगा। वेट योर, व्हाट्स दिस? तुम इतने अच्छे स्टूडेंट हो रवि, प्रज्वल जैसे बिगड़े हुए लड़कों की हेल्प करोगे तो फिर जिंदगी में आगे कहाँ जाओगे? सॉरी मैम। ये तो शुक्र मनाओ कि मैं प्रिंसिपल से तुम दोनों की कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, वरना तुम दोनों को स्कूल से निकाल देते। स्कूल से तो आपको निकलना चाहिए प्राची जी, आपने आंसर शीट फाड़ने की हिम्मत भी कैसे की? सर, वो लोग चीटिंग कर रहे थे। तो आप न्यायाधीश हो, आपको पता है ना प्रज्वल अनंत सुरवे का बेटा है। मैं कहाँ थे आप सुबह से? मैं कब से वेट कर रहा हूँ आपका। हाँ, थोड़ी देर हो गई। वो आंटी, आज स्कूल में बहुत काम था इसीलिए देर हो गई। मेरा एग्जाम था सुबह, आपने मेरा पूछा भी नहीं। हाँ, कैसा था तुम्हारा एग्जाम? बहुत अच्छा था। एग्जाम तो बहुत अच्छी जाती है, बस मार्क्स थोड़े से राउंड हो जाते हैं। नहीं, ओहो आंटी, इस बार आप बिल्कुल फिक्र मत करो, इसने बहुत मेहनत की है, अच्छे मार्क्स आएंगे इसे, है ना? गुड बॉय। एट लास्ट द बिग डे अराइव्ड। द फेयर वॉज इनॉग्रेटेड बाय द ओल्डेस्ट साइंस टीचर मिस्टर गिजार। इट वॉज मिस्टर गिजार हु हैड कम अप विद द आइडिया ऑफ थैंक यू मिस्टर गिजार। मिस, आपको भी कोई परेशान कर रहा है? मुझे भी करता है रात में, अच्छा नहीं लगता। बेटा, आपको कौन परेशान कर रहा है? क्या बकवास कर रही हो तुम? दादी, मैं सच कह रही हूँ, अर्चना ने कुछ खुल के नहीं बताया, बट आई एम श्योर कि उसके साथ में कुछ गलत हो रहा है, कोई उसके साथ में कुछ गलत कर रहा है। बस हो गया, अगर इस तरह की बेकार की बातें करनी है ना तो यहाँ आना बंद कर दो, निकल जाओ।
ताई आ जाएगी ना, आप सो जाओ, बुलाऊंगा ताई को, आप सो जाओ। निकलो, हटो यहाँ से, हाँ? चलो, निकलो, निकलो बंदे से बाहर, चलो। अरे सोना, मुझे सोना है आपके साथ, सो। निकलो यहाँ से, मैं कह रही हूँ। सोना, गोभी छोड़ो मुझे, सोना। गोभी, ये क्या चल रहा है, हाँ? अरे मारो इसे। जहाँ पर क्यों मारा इसे? ये मेरे साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता है, समझी तू? कुछ भी मत बोल। क्या बात कर रहे हो आंटी? आपने खुद देखा है, ये जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। भाई, पढ़ता रहा तुझे, बहुत हो गया, निकल यहाँ से, तेरा बोरिया बिस्तर ले और अभी के भी जा। चल, तू भी चल, माफ कर दे। चल आंटी। प्राची काम के लिए सातारा में थी, लेकिन उसे बहुत सारी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स हो रही थी, लेकिन वो एक समझदार लड़की थी और ऐसी लड़कियां हजार मुश्किलें आने पर भी हार नहीं मानती। लेकिन इसके बावजूद भी उसके साथ जो कुछ हुआ उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। अरे ये आपने क्या किया प्राची मैडम? मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था और जो मुझे सही लगा। गुड मॉर्निंग टीचर। आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग ये घटिया खेल खेल कर मुझे चुप करा देंगे? अब आप और आपका वो सगा देखो कि मैं क्या करती हूँ। आइए, मैंने आपको बोला था ना, वो देखिए प्राची मैडम की बॉडी, वो गोपी ने उनका सर काट के सर लेके भाग गया। पुलिस को फोन करो। आइए सर, इधर बॉडी अंदर है सर। सर विक्टिम का नाम प्राची है, पेशे से टीचर और इसी स्कूल में पढ़ाती थी। सर ये पुणे की रहने वाली है और 6 महीने पहले सतारा शिफ्ट हुई है। इसी के एक स्टूडेंट गोपी ने इसकी गर्दन को काट दिया। सर वो गोपी मेंटली स्टेबल नहीं है, उसने सर एक लड़की को होस्टेज भी बनाया हुआ है और प्रॉब्लम यह है कि मर्डर वेपन भी उसी के पास है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है सर, लेकिन इसकी गर्दन का क्या करें? पहले उस लड़की को छुड़ा दे। सुनो सुनो बेटा, छोड़ छोड़ दो, छोटी बच्ची है, छोड़ दो। ए, जाओ, मैं मारूंगा इसे, जाओ, जाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, उसे कुछ मत करो, साहब कुछ कीजिए ना साहब। एक मिनट, देखो बच्ची को छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ जाओ, मैं मारूंगा इसे। छोटी बच्ची है। ए गुमी, गोपी ने क्या बोला? शांत रहने को बोला ना तुमको? चुप बैठ जाओ, चलो निकलो यहाँ से। शिरके लेके जाओ इनको। चलो 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 जल्दी, चलो निकलो यहाँ से, चलो जल्दी। शांत सर, इसके पैर पे गोली मारते सिचुएशन 2 मिनट में कंट्रोल में आ जाएगी। पागल है क्या शिरके? पहले इस तलवार से एक लड़की की जान गई है, हमारी जरा सी गलती से छोटी बच्ची की भी जान जा सकती है। गोपी के घर वालों को इन्फॉर्म करो। ठीक है, आप शांत हो जाइए, पैनिक नहीं होना, कुछ करते हैं। आप दोनों मेरे साथ आइए। सर प्राची बहुत ही अच्छी लड़की थी और ये गोपी इतना बड़ा हो गया फिर भी 7वीं में लटका पड़ा है। इतनी बार सोचा उसे स्कूल से निकाल दूं, लेकिन उसकी आई का सोचकर तरस आ गया। ये गोपी का प्राची के साथ कुछ झगड़ा था? नहीं सर, एक्चुअली प्राची पिछले हफ्ते तक गोपी के घर पर रहती थी एज अ पीजी, लेकिन एक रात अचानक उसका मुझे फोन आया। हाँ प्राची। हेलो सर, मेरे को कोई दूसरी जगह चाहिए रहने के लिए। प्राची, रात को 12 बजे हैं और इस समय तुमने? सर गोपी ने मेरे साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश की, जब मैंने अपोज किया तो उसकी आई ने मुझे बोल दिया कि मैं इस घर से निकल जाऊं। अब इस समय में मैं क्या करूं? सर उसके दूसरे ही दिन मैंने प्राची को अपने घर के पास एक घर किराए पे दिलवा दिया। सर
ये लड़का कुछ बताना चाहता है, बोलो। सर आज सुबह मैंने गोपी को प्राची मैम के साथ बदतमीजी करते हुए देखा। आपको सॉरी बोलने के लिए मैं ये आपके लिए लाया, पहन के दिखाइए ना, मस्त है। ए, गोपी तुम अपने क्लास में जाओ। मैम पहनिए ना, मुझे मुझे देख रहा है आपको पहनते हुए, मस्त ड्रेस है, मैं आपके लिए लाया। समझ नहीं आता तुम्हें मैं क्या कह रही हूँ, चुपचाप अपनी क्लास में जाओ वरना ना मैं प्रिंसिपल को कंप्लेन कर दूंगी, स्कूल से निकाल देंगे तुम्हें। गोपी बेटा, गोपी बेटा सुनो मेरी बात, सुनो शांत हो जाओ, कोई कुछ नहीं करेगा, मैं हूं ना, कोई कुछ नहीं करेगा, तुम दरवाजा खोलो। नहीं मैं नहीं खोलूंगा। सर बाथरूम में शूज बैग और यूनिफॉर्म मिला है, इसके ऊपर भी नहीं और इसके ऊपर भी ब्लड के निशान नहीं दिख रहे, इसको फॉरेंसिक के लिए भेज दो। सर आप यहाँ पे गप्पे लड़ रहे हो, मेरी बेटी को मार देगा, उसे मेरी बेटी को मार देगा। ए सुनिए, सो चला तो बोला ना, मैं छोड़ जाए बच्ची की जान खतरे में, गुस्से में कुछ भी कर देगा वो, आप कुछ कीजिए। अरे आप बात क्यों करें, गोली मार दीजिए उसे, इसको लेके जाओ, गड़बड़ करेगा ये। आप चाहिए उधर, सबसे पहले जिस औरत ने देखा था उसको बुला। सर मैं चिल्लाई ना तो वो तलवार लेके मेरे पीछे भागा, फिर उसने वो खुशी को क्लासरूम के अंदर खींचा और अंदर से खुद को बंद कर लिया। आपने देखा उसे प्राची का गला काटते हुए? मैंने खुद देखा, उधर ही थी मैं, उसने प्राची मैडम का गला काटा। उसने उस वक्त शूज पहने थे? इतना ध्यान नहीं गया साहब। शिरके प्राची को इसने नहीं मारा। सर इसी ने प्राची को मारा है। नहीं मेरे साथ आओ। खोलो। ये देखो शिरके, ये जूतों के निशान ये बाहर की तरफ जा रहे हैं। जब गोपी ड्रेस पहन रहा था उस वक्त उसने जूते उतारे थे, ये कैसे आए? सर ये भी तो हो सकता है कि मर्डर करने के बाद गोपी ने अपने जूते धो दिए हों और जब वॉशरूम में उसने अपने कपड़े उतारे तो वहाँ अपने जूते रख दिए हों। इतना होशियार तो नहीं लगता मुझे, और होता भी तो जूते क्यों उतारता, तलवार फेंक देता। सर हो सकता है कि मर्डर करने के बाद कोई यहाँ से गुजरा हो, ये उसके जूते के निशान हो। खून के ऊपर पैर रख के कौन गुजरेगा और क्यों? सर वो लक्ष्मी कह रही थी कि उसने ये सब अपनी आंखों से देखा है। मुझे यकीन नहीं उस पर। एक काम करो, मेरा शर्ट लेके आओ गाड़ी में से। जी सर। गोपी दरवाजा खोलोगे? नहीं शांत हो, शांत हो जाओ। मुझे पता है तुमने प्राची को नहीं मारा था, और मुझे ये भी मालूम है तुम खुशी को भी नहीं मारोगे, है ना? और मैं सब लोगों को समझाऊंगा, सबको बताऊंगा कि प्राची को तुमने नहीं मारा। क्या लगा यहाँ तमाशा चल रहा है? चलो निकलो यहाँ से, चलो। उसको तकलीफ मत दो। नहीं। आप भी जाइए। दरवाजा खोलोगे? कितना गर्म हो रहा है ना, वो छोटी बच्ची उसको भी गर्म हो रहा है बहुत। दरवाजा खोलो, ताजी हवा आएगी। हाँ और सब लोग गए, सब लोग गए, खोलोगे?
जल्दी 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 निकलो, जल्दी निकलो। आगे बजाना, मैं मार डालूंगा इसको। नहीं 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 नहीं। गोपी, गोपी, गोपी। एक मिनट, एक मिनट। गोपी क्या है बेटा? काय करता है? सब, सब कोई बहुत बड़ी गलती हुई है। मेरा बेटा ऐसे नहीं कर सकता है। वो ऐसे नहीं कर सकता सब। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मर्डर गोपी ने नहीं किया है। लेकिन इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास कोई भी ठोस सबूत नहीं था। लेकिन जब भी मैं उसकी आंखों में देखता तो मुझे बेकसूर नजर आता। आपके घर में तलवार है? नहीं सर। शिर्के, आसपास के घरों में देखो किसी के पास तलवार है क्या? सर सतारा में मोस्टली हर घर में तलवार होती है। फिर ये देखो कि पिछले 2-3 दिनों में किसी ने तलवार को धार लगवाई है क्या? ठीक है सर, मैं देख के आता हूं। हाथ लगो, हाथ लगो। नहीं 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 नहीं, मैं अकेले आ रहा हूं गोपी। हाँ मम्मी, मैं यहां कुर्सी मैं यहां कुर्सी डाल के बैठूंगा, किसी को आने नहीं दूंगा। हाँ ए, चलो निकलो यहां से, चलो जाओ, चलो। बेटा, बेटा छोड़ दे उसे। आ इतने प्राची मैम को क्यों निकाला? मर गई ना प्राची मैम। गोपी, तुझे पता है प्राची को किसने मारा? जिसने भी मारा ना, मैं उसे मार डालूंगा। हाँ लेकिन तूने देखा? मैं मार दूंगा उसे, छोड़ूंगा नहीं। सब मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। वो तो प्राची को बहुत पसंद करता था। हाँ माँ, बस अभी घर ही पहुंची हूँ, करती हूँ फोन। क्या माँ बोल रही हूँ ना, करती हूँ आपको फोन। हाँ ठीक है। नहीं नहीं, आपसे नहीं कह रही थी। ठीक है ठीक है, ओके माँ बाय। जाओ सोइए ना। ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। बहुत हो गया, निकल यहाँ से। तेरा बोरिया बिस्तरा ले और अभी के अभी जा। उस दिन से मुझ पर बहुत गुस्सा है, रोज झगड़ा करता है। कल तो मुझसे पैसे भी लेकर गए प्राची को गिफ्ट देने के लिए। अगर प्राची को गोपी ने नहीं मारा तो किसने मारा? चलिए प्राची का मोबाइल और पर्स लेके आओ। ठीक है सर। कर ले 3 चम्मच शक्कर वाली कौन सी? ये। और 1 चम्मच ये। गोपी तुम्हारे लिए चाय। मुझे नहीं चाहिए। ठीक है यहीं रुको। मीठी एकदम। तुम्हें तो माँ ने बताया होगा किसी भी अच्छे काम की शुरुआत मीठे से होनी चाहिए। आज तो हमारे दोस्ती की शुरुआत हुई है, कुछ मीठा तो होना चाहिए। लोगे? नहीं, सिर्फ चाय रख रहा हूं। सर सर एक मिनट। सर धार लगाने का काम सिर्फ 4 लोग ही करते हैं, लेकिन उन सबका कहना है कि बहुत दिनों से उन्होंने किसी तलवार पर धार नहीं लगाई। अच्छा सर, ये प्राची का फोन और पर्स। लास्ट कॉल प्रिंसिपल का। ये बोलो ये क्या है? ये बोलो। कॉपी वो भी अपने थाने की? हाँ सर, ये प्राची आई थी कुछ दिन पहले FIR कराने एक स्टूडेंट के खिलाफ। मुझे तो याद नहीं। सर ये आपके ज्वाइन होने के 2 दिन पहले की बात है। तो मुझे क्यों नहीं बताया? सर अभी तक तो सबको लग रहा था कि गोपी ने ये किया है। इनफैक्ट मुझे तो अभी भी यही लग रहा है। सर छोटी सी बात है। सर
प्रज्वल सुरवे ने मेरे साथ में बदतमीजी की है। उसने जबरदस्ती मुझे पेपर लिखने को कहा। ये देखिए पेपर। सर प्रज्वल के पिता अनंत इस शहर के बहुत बड़े आदमी हैं। और जब हमने उनसे पूछताछ की तो क्या बकवास है ये? एग्जाम के अगले दिन ही मेरा बेटा अपनी मौसी के घर चला गया दिल्ली, फिर वो यहाँ प्राची को परेशान कैसे कर सकता है? देखिए वो सब ठीक है, लेकिन आपके बेटे के खिलाफ कंप्लेंट आई। मेरे बेटे के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट करेगा और आप मान लेंगे? पहले कार्रवाई कीजिए, बिना सबूत के मेरे सामने खड़े होने का नहीं। सर मैंने प्रज्वल के टिकट भी चेक किए थे, 7 दिनों से वो दिल्ली में ही था। उसके सीडीआर रिपोर्ट निकाले थे? नहीं सर, मामूली सी बात है। मामूली सी? ये मुझे तो नहीं लगती मामूली सी। उसके कॉल रिकॉर्ड चाहिए मुझे और सीसीटीवी फुटेज स्टेशन का उस दिन का, और प्रज्वल उसके बाप को बुलाओ। ठीक है सर। चाय तो ठंडी हो गई। सर तुम तो टिफिन आ ले। अरे वाह, टिफिन भी आ गया, क्या बात है। गोपी, सर तुम्हारी भाभी है ना, टिफिन बहुत अच्छा बनाती है। क्या बात है। अब ऐसा तो अच्छा नहीं लगता ना कि तुम वहां बैठे हो, मैं वहां टिफिन खा रहा हूं। क्या है आज? वाह, आलू की सब्जी, चपाती, मीठे में गुलाब जामुन है। खाना खाओगे? खुशी खाएगी? भूख लगी है उसे, खाएगी? लो। तुम खाओगे? कुछ बेटा बैठो। सर वो प्रज्वल और आनंद सुरवे आ गए। बेटा आराम से खाना खा लेना। हाँ खुशी, चाहिए तो लेना। नए आए हो? पता है मैं कौन हूं? क्या फर्क पड़ता है, फिलहाल आप मेरे लिए एक सस्पेक्ट हो बस। क्या किया रहे उस दिन प्राची के साथ? सर मैंने कुछ भी नहीं किया। सर ये देखिए, रवि और प्रज्वल के कॉल रिकॉर्ड, इनके फोन लोकेशन के हिसाब से उस दिन यहीं थे। और सर ये देखिए, रेलवे स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज, जिस दिन इन लोगों ने दिल्ली जाने का टिकट खरीदा था उस दिन ये लोग रेलवे स्टेशन पे नहीं गए थे। तो रेलवे स्टेशन नहीं गया, दिल्ली कैसे गया? कार से गए। कार से गए, फिर रेलवे का टिकट क्यों निकाला? और अगर रोड से गया तो मोबाइल घर पे क्यों छोड़ के गया? इधर बेटा, इधर आ। देख ये प्रज्वल है ना, ये बड़े बाप का बेटा है, 100 कहानियां सुनाएगा, फिर भी हम इसे उठा लेंगे। लेकिन फिर भी बाहर आने के लिए 100 कोशिशें करेगा, आएगा भी बाहर, तेरा क्या होगा? सोचा है कभी? सोचा है क्या कभी, बता क्या हुआ था उस दिन? सर प्राची मैडम को पता चल गया था कि मैंने प्रज्वल का पेपर लिखा है। प्रज्वल? तो उनने पेपर फाड़ दिया था। सर प्रज्वल बहुत गुस्से में था और फिर ठीक है। तुम और ये क्या बदतमीजी है? हाँ मैडम, अब तो सरकार ने भी कह दिया है कि शिक्षा का हक सबको है, तो क्या मैं अकेला अनपढ़ बैठूं? हाँ अरे पढ़ाई करना है, डॉक्टर बनना है मेरे को, पढ़ाई ही करूंगा तो फिर बाप का नाम रोशन कैसे करूंगा? हाँ ये पेपर पकड़ और ये पेन। मेरा पेपर तू लिखेगी। तुम्हारी जो गुंडागर्दी है ना, ये मेरे सामने नहीं चलेगी, समझे?
तो तू कहीं तो कुछ और चला लूं। क्या कर रहा है? पकड़ नहीं सकता था उसे तू? यार तू ये सही नहीं कर रहा है। चल बैठ अंदर। अरे बाप रे, इतना गुस्सा? फिर तो मौके का फायदा देख के तूने प्राची को मार दिया होगा। सर नहीं, मैंने प्राची मैडम को नहीं मारा। जूते निकाल, जूते उतार। अरे उतार जल्दी जूते, टेबल पर रख। शिरके, ये जूते नए नहीं लग रहे? अभी खरीदे क्या? ये क्या कर रहे हैं आप? अपना काम। आपने और आपके बेटे ने प्राची का मर्डर किया है नहीं, जल्द पता चल जाएगा। फिलहाल हम इन दोनों को प्राची को अगवा करने के जुर्म में अरेस्ट कर रहे हैं। शिरके, लेके जाओ इन दोनों को। ये टिफिन है ना, बड़े सामने उठाने के लिए बोला। क्या मेरी बेटी ने क्या बिगाड़ा था उसका? क्या बिगाड़ा था? मेरी बेटी तो खुद अपने गमों से जूझ रही थी, सगाई हो गई थी उसकी, शादी होने वाली थी, लेकिन 8 महीने पहले एक कार एक्सीडेंट में उसके मंगेतर की मौत हो गई, इसलिए वो पुणे से सातारा चली आई। कहती थी उसकी यादों से दूर जाना है, चली गई दूर। खुशी, खुशी बेटा तुम ठीक हो ना? जाओ सब यहाँ से, कोई मत आओ इधर। रुको, सब गंदे। क्या कर रहे हो तुम? चलो निकल पीछे। क्या कर रहे हो अभी? गोपी बेटा, मैं हूँ, दरवाजा खोलो। मैं नहीं खोलूंगा, सब झूठ बोल रहे हो, सब गंदे रहे हो, सब यहाँ से जाओ, जाओ। लगाया ना अपना दिमाग, हाँ? क्या जरूरत थी जाने के अंदर? सर मेरे साथ चलिए ना, कुछ इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखो, दिमाग मत लगाओ। सर ये स्कूल का प्यून है, इसे आपसे कुछ कहना है। बोलो। साहब सुबह कुछ हुआ था। अरे इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे की आपने? आपने प्रज्वल और अनंत सूर्य के खिलाफ स्कूल बोर्ड में कंप्लेन किया है, उसमें मेरा भी नाम डाल दिया। देखो तुम आग से खेल रही हो, अब तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? प्राची के वजह से आपकी इमेज और ज्यादा खराब होने वाली थी, स्कूल बोर्ड में कंप्लेन भी की थी ना। क्यों प्रिंसिपल साहब? देखिए देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं मानता हूं कि मेरे बेटे से गलती हुई, लेकिन प्राची को मारने की गलती ना मैं कर सकता हूं ना ही मेरा बेटा। इन सब में हम लोगों का कोई हाथ नहीं है सर। तुम्हारा हाथ था या नहीं ये पता कर लेंगे हम। चलो बाजू हटो, चलो चलो हटो आप लोग। यार क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो हटिए, चलो निकलो यहां से। चलो चलो चलो। सर आपको तो बहुत सारे लोगों पे शक है, लेकिन पता कैसे करें कि खून किसने किया? इस तलवार से। ये तलवार हमें मिलनी चाहिए शिरके, इसके ऊपर गोपी की उंगलियों के निशान तो होंगे, लेकिन जिसने इस तलवार को धार लगाई होगी उसके निशान भी धार पे हो सकते हैं। लेकिन सर अभी हमारी प्रायोरिटी उस बच्ची को बचाना है, गोपी कभी भी उसे मार सकता है। हम रिस्क नहीं ले सकते। रुको गोपी, गोपी खुशी को बाहर छोड़ दो प्लीज, उसे बहुत तकलीफ हो रही है बेटा। हट जा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है,
मैं अंदर आ जाऊं? देखो मैं अकेला आऊंगा, आई शपथ, किसी को नहीं लेके आऊंगा अंदर, और मैंने कुछ किया ना मुझे मार देना। हाँ आऊ, खोलो ना दरवाजा। प्लीज देखो गोपी, कुछ लोगों को हमने पकड़ा है, उनमें से कोई ना कोई तो भी होगा जिसने प्राची को मारा होगा। उनमें से कोई नहीं है वो, उसने मारा प्राची मैम को, मैं कह रहा हूं ना, उसी ने मारा प्राची मैम को। अच्छा गोपी कह रहा था कि आप बहुत बहुत अच्छा बनाती है। आप बैठिए, मैं बनाती हूँ। ठीक है, मैं आया अभी। हाँ ठीक है। अरे सर ये क्या कर रहे हो सर? चुप। अरे सर कड़ो, चुप चुप। स्कूल में रहना है ना, किसी को बोलना मत, बोलेगा आज रात ठीक 11 बजे मैं वापस यहाँ पे आऊंगा, बाहर का दरवाजा खोल के रखना वरना स्कूल से निकाल दूंगा तुझे। सो गए? हाँ सब सो गए। कहाँ जा रहे हो आप? निकाल दूंगा तुझे स्कूल से। ए, निकाल दो स्कूल से, अगर अंदर गए ना तो मैं आई को बुला लूंगा। चुप चुप। नहीं जाऊंगा, चुप चुप। क्या कर रहा तू वहां? सर ये सर इसकी बातों में कहाँ आ रहे हो? ये घड़ी आपने दी थी ना? हाँ भूल गए? घड़ी तेरे लिए, ये तेरे लिए। सुन किसी को बताना मत मैं यहाँ आया था, ठीक है? सर प्राची मुझे बहुत अच्छी लगती थी और वो अपनी सारी बात आके मुझसे शेयर करती थी, तो मुझे ऐसा लगा कि सर वो मुझ में इंटरेस्टेड है। तुझे ऐसा लगा कि वो तुझ में इंटरेस्टेड है? हाँ सर मुझे ऐसा लगा। और नहीं मानी तो तूने उसने मार दिया? नहीं सर ये गलत है सर, मैंने उसको नहीं मारा है सर, मैंने उसका खून नहीं किया सर। सर आप खामखा सब पे शक कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राची का कातिल और कोई नहीं लेकिन अर्चना की फैमिली है। ये अर्चना कौन? सर प्राची ने मुझे फोन करके सब कुछ बता दिया था। हाँ प्राची। अनिल मुझे यकीन है कि अर्चना के साथ में कुछ गलत हो रहा है और मैं इसका पता लगा कर ही रहूंगी। ये अर्चना के फैमिली के साथ उसका क्या पंगा था? सर प्राची को ऐसा लगता था कि अर्चना के साथ उसी के ही घर में उसके साथ रेप हो रहा है। कौन है बेकार की बातें कर रहा है? अर्चना के साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। अरे इसका खुद का घर है, यहाँ वो बहुत ही सुरक्षित है। वो सब ठीक है, आप अर्चना को बुलाइए, मुझे उससे बात करनी है। वो तो उसकी मासी के घर गई है। मासी के घर गई है? हाँ। ये ढाल के साथ तलवार भी होती है ना, कहाँ गई तलवार? ओ वो अर्चना उसे बार बार निकाल कर उसके साथ खेला करती थी, तो मैंने नौकर से कहकर वो हटा दी है, कहीं चोट लग गई तो। देखो गोपी, खुशी को नींद आ रही है, उसे ले जाऊं? नहीं नहीं, इसे ले जाऊं? हाँ उसे सुला देता हूं, उसे तो तकलीफ भी हो रही होगी ना, उसे नींद आ रही है, सुला देता हूं। हाँ ले जाऊं? अच्छे से सुला देना प्राची मैम को, अब प्यार से एकदम। तवड़े
इसे पोस्टमार्टम को भेज दो। साहब, साहब प्लीज आप मेरी बच्ची को बचा लो साहब। साहब प्लीज। कुछ नहीं होगा, धीरज रखो। नींद आ रही गोपी? नहीं, पानी चाहिए। हाँ पानी। सर बहुत देर हो गई, इसे पानी में नींद की दवा मिलाकर पिला देते हैं। लेके आओ। गोपी पानी तुमने मांगा था ना। वाह वाह वाह। हेलो। हाँ ठीक है, ठीक है, सब ठीक है यहाँ। अरे मेरा एक नया दोस्त बना है गोपी। हाँ उसके साथ हूँ। नहीं नहीं टिफिन तो आज उसने भी खाया मेरे साथ। तुम अगर यहाँ होती तो तुम्हारे हाथ की चाय पिलाता था उसको। हाँ बात करनी है? नहीं ठीक है। हाँ बैठो। नींद आ रही है उसको। नींद आ रही है ना बेटा? हाँ बोलो। हेलो सर, वो अर्चना अपने घर पे ही है। ठीक है। वो अर्चना घर पे ही है। ठीक आया मैं। आता हूं। चलो। लेकिन ये बच्ची को अकेला छोड़ के? सावन ख्याल रखना, कोई होशियारी नहीं करना। डोंट वरी सर। चलो। फिर से आ गए? ये शरीफों का घर है, रात का सोने का वक्त हो गया है। माफ कीजिए लेकिन क्या करें, आजकल शरीफ लोग जैसे अपने दरवाजे और खिड़की पे पर्दे डालते हैं वैसे वो गुनाहों पर भी डालने लगे, तो तकलीफ तो देनी होगी। बच्ची को बुलाई, मुझे पता है घर पे। आपको कहा ना बच्ची नहीं है घर पे। ठीक है मैं कल फिर आऊंगा सर्च वारंट लेके, तब तक आप और आपका पूरा परिवार हमारे निगरानी में रहे। शिरके सर। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं। आओ बेटा डरो मत। मुझे सच बताओ आपके साथ कुछ गलत हुआ है? हाँ। उसके साथ बहुत ही गंदा हुआ, हमारे नौकर माधव ने किया। ये बात घर से बाहर न जाए इसलिए हमने प्राची को नौकरी से निकाल दिया और माधव को भी काम से निकाल दिया। बस आपके पोती के साथ नौकर ने रेप किया और आपने सिर्फ उसे नौकरी से निकाल दिया? पुलिस में कंप्लेंट नहीं की क्यों? पुलिस में देने से उल्टा हमारी बेटी का भविष्य खराब हो जाता, इसीलिए हमने बात को दबा दी। आपको पता है माधव कहाँ रहता है? ये बात तो साफ हुई थी कि प्राची का मर्डर गोपी ने नहीं किया, लेकिन ये हो सकता है कि अगर समझो गोपी को गुस्सा आ जाए तो खुशी को नुकसान पहुंचाएगा। वो तलवार खुशी के गर्दन पे नहीं थी,
तो हमारे सर पे लटक रही थी। गोपी देखो, हमें तुम्हारी मदद करनी है, अब ये तलवार मुझे दे दो। नहीं, नहीं। गोपी ये तलवार मुझे दे दो। देखो हम सब मिलके उसे सजा दिलवाएंगे, हम सब मिलके सजा दिलवाएंगे। तलवार मुझे दे दो। हेलो, ओके सर, माधव पकड़ा गया। हाँ? देखा देखा, प्राची का कातिल पकड़ा गया, वो तलवार मुझे दे दो। तुम आई के बारे में सोचो, तुम आई से प्यार करते हो ना, अगर तुम मर जाओगे तो आई कैसे जिंदगी जिएगी, कुछ सोचा है तुमने? तो तलवार दो मुझे, तलवार दो आई के पास। मेरा गोपी, मेरा बच्चा, मैं ये ड्रेस ना प्राची मैम के लिए लाया था, वो बहुत अच्छी देखती, सॉरी बोलने के लिए ना। प्राची मैम ने पहना ही नहीं है, प्राची मैम सर, गुड न्यूज, फिंगरप्रिंट मैच हो गए। माधव ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आपने जैसा उसे सिखा के भेजा था बिल्कुल वैसे ही बोला। प्राची मैडम का मर्डर भी मैंने ही किया और अर्चना के साथ गंदा काम भी मैंने ही किया सर। लेकिन क्या है ना, पुलिस बोलने से नहीं चलती, सबूत से चलती, और हमारे पास जो सबूत है उसके माने प्राची का मर्डर माधव ने नहीं, आपके छोटे बेटे प्रकाश ने किया, अर्चना के चाचा ने। हाँ, मैंने अर्चना के साथ गलत किया था, प्राची को मुझ पर शक होने लगा था, उसे काम से निकालने के बावजूद वो अर्चना से मिलने के बहाने ढूंढा करती थी। बेटा बेटा, मुझे मालूम है कि आपके साथ में कुछ गलत हो रहा है, डरो मत, मुझे बताओ ना कौन है वो। आपसे कहा है ना इससे दूर रहिए। अर्चना चलो। आप लोग इसकी बात दबा क्यों रहे हैं? मुझे तो आप पर भी शक होता है। मुझे डर था कहीं उसे मेरे बारे में सब पता ना चल जाए और वो मेरी पोल ना खोल दे। तुम्हें अपनी भतीजी के साथ ये कर तो शर्म नहीं आई? उस दिन अगर लक्ष्मी के बजाय मैंने मेरे दिल की बात नहीं मानी होती तो शायद गोपी के साथ कुछ बुरा होता। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, उस वक्त हमें हमारा लॉजिक एविडेंस बाजू में रख के हमारे दिल की बात माननी चाहिए। प्रकाश को अपने किए की सजा मिली, प्राची और अर्चना को न्याय मिला, लेकिन वैसा देखा जाए तो प्राची को आने वाले गुनाह की दस्तक मिल रही थी, लेकिन हर बार उसने उसे नजरअंदाज कर दिया था। अपराधी कभी भी ढिंडोरा पीट कर नहीं आता है, लेकिन आने से पहले गुनाह की दस्तक जरूर देता है, उसे सुनना हमारी जिम्मेदारी है। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।